यामी गौतम को करनी पड़ी अपनी फीस कम। यामी को नहीं मिल रहा है किसी फिल्म का ऑफर। Well, according to sources, यामी गौतम ने फिल्म काबिल की सक्सेस के बाद अपनी फीस को बढ़ा दिया था। हालांकि इस फिल्म में यामी का रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इस फिल्म की सक्सेस के साथ उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। लेकिन जब काबिल के बाद यामी की फिल्म सरकार 3 रिलीज हुई तो वो रही बुरी तरह फ्लॉप। यानी काबिल की सक्सेस के बाद यामी ने जो अपनी फीस बढ़ा दी थी उसे मेंटेन रखने में सरकार 3 काबिल नहीं रह पाई। वी मीन सरकार 3 का फ्लॉप होना यामी के करियर के लिए काफी खराब रहा। सरकार 3 के फ्लॉप होने के बाद यामी के पास कोई इंटरेस्टिंग फिल्म प्रोजेक्ट का ऑफर नहीं आया। वैसे में यामी के पास अपनी फीस कम करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि एक तो वैसे ही उन्हें ऑफर्स नहीं मिल रहे और जो मिल भी सकते हैं वो उनकी इंक्रीज हुई फीस को देखकर नहीं आ रहे हैं। यानी मिस गौतम ने जितनी जल्दी अपनी फीस को अप किया था उतनी ही तेजी से उन्हें करना पड़ा उसे डाउन। Well, अब फीस कम करने के बाद भी यामी को फिल्म्स के ऑफर मिल पाते हैं या नहीं ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। संदेश अगाते जूम मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.